यह डेली आंसर राइटिंग का एक आइडियल आंसर। इसके अंदर हम देखेंगे कि किसी आंसर को कैसे लिखा जा सकता है। यह सिर्फ एक आइडियल आंसर है, परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि सभी की अपनी एक आर्ट होती है राइटिंग की, और यह आइडियल है। इससे बुरा अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए एक रियलिटी चेक है कि इससे अच्छा लिखना है, और अगर आप इससे अच्छा लिखते हैं तो आपको पता होगा कि आप पहले से ही अच्छा लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का होता है, क्योंकि इतना ही समय और वर्ड लिमिट हमें परमिट करती है। कई तरह से लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन को, कोई कोई डिफ़ाइन करता है जो वर्ड पूछा जाता है, और कोई कोई उसकी हिस्ट्री में चला जाता है, और कोई कोई उसको करंट अफेयर से लिंक करता है। तो यहाँ पे हमने भी ऐसे ही किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन को एक तरह से डिफ़ाइन किया है कि यह एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया की रिलेशनशिप एशियन के लिए एक की पिलर है। अगर जो इंडिया है वह उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एशियन के साथ रिलेशन रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसको साथ में ही फिर करंट अफेयर से भी लिंक किया। जैसे कि रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 16th एशियन इंडियन इंडिया समिट अटेंड करी थी, और साथ में 13th ईस्ट एशिया समिट अटेंड करी थी सिंगापुर में। यहाँ पे अब आप जो वर्ड्स हैं उन पे ध्यान दीजिए कि जो ये 16th एशियन इंडिया समिट, तो इस तरीके के वर्ड और 13th ईस्ट एशिया समिट, इस तरीके के वर्ड आंसर में वेट डालते हैं कि पर्सन को, कैंडिडेट को चीज़ें पता है। आगे बात करेंगे बॉडी की। बॉडी की हम जब भी बात करेंगे तो सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन जनरली एक स्टैंडर्ड तरीका होता है पॉइंट मैनर में लिखने का। स्टैटिस्टिक भी यही कहती हैं कि अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही वैलिड रीज़न यही है कि क्लैरिटी आती है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो उसका आंसर आपने दिया है। हालांकि कुछ इस तरीके के क्रिएटिव लोग भी होते हैं जो पैराग्राफ्स में लिखते हैं, उनका भी सही होता है। आपने उनकी कॉपी देखनी चाहिए, IAS ऑफिसर टीना डाबी, उन्होंने जनरली जो भी आंसर लिखे हैं पैराग्राफ में लिखे हैं, लेकिन वह आपकी प्रैक्टिस के साथ आता है, और कुछ आपकी नेचुरल एबिलिटी भी होती है। यहाँ पर हम सभी को ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स में ही आंसर देंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एशिया, सबसे पहले यही चीज़ पूछी गई थी, और फिर सब हेडिंग जियो स्ट्रेटेजिक, और फिर आगे हमने सब हेडिंग दी है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स। तो सबसे पहले जियो स्ट्रेटेजिक के अंदर क्या क्या आएगा वह देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सिंस एशियन इंसेप्शन जो कंट्रीज़ हैं रीजन की वो बहुत इंटीग्रेटेड हो गई हैं आपस में, इंटरा रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ गई है। इसकी वजह से यह इंडिया के लिए और भी इम्पोर्टेंट होती जाती है, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री है। तो जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी इंडिया को ट्रेड के लिए और सारे रास्ते मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शुरुआत में एशियान के अंदर कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा आगे तो जो मैंडेट है वो भी एक्सपेंड हुआ। अब जो एशियान है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिक जैसे इश्यूज़ को भी डील किया जाता है, जिसकी वजह से जो एशियान की सिग्निफिकेंस है उसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए और बढ़ जाती है। स्पेशली अगर आप देखेंगे काउंटर टेररिज्म जैसे टॉपिक के ऊपर लेकर, अगर इंडिया इसमें नहीं पार्ट करेगा तो वह इस इश्यूज़ को कैसे डील कर पाएगा। सो इसलिए एशियान इंडिया को एक और वेन्यू प्रोवाइड कराता है कि वह इन
इश्यूज़ के ऊपर भी एक तरह से लीडर बन सके। नेक्स्ट पॉइंट इस जियो स्ट्रेटेजिक के अंदर हम यह भी लिख सकते हैं कि जो इंडिया है बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराता है बायलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट के लिए। जो भी एशिया नेशंस के साथ बायलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट होती है, जैसे कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना या फिर जो लो ऑर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं, जैसे कि पायरेसी, गन रनिंग एंड क्रिमिनैलिटी एट सी, इनको टैकल करने के लिए इंडिया अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देता है। साथ में ये सभी जो चीज़ें हैं अगर वह करता है एशियन के साथ, तो जो चाइनीज़ की प्रेजेंस है, आपको पता है कि वहाँ पे सी पे, तो उसको काउंटर किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इंडिया एशियन के साथ इंडल्ज नहीं हुआ, तो जो चाइनीज़ लोग हैं वह अपने सी के ऊपर, वहाँ पे जो ओशियंस हैं उनके ऊपर अपनी प्रेजेंस ज़्यादा बना लेंगे और आगे चल के वह उसको अपना ओनरशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे। जियो स्ट्रेटेजिक के अंदर हम लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो ब्लू इकोनॉमी है वह इंडिया और एशियन मैरीटाइम रिलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसकी वजह से जो इंडिया है वह इकोलॉजिकल मैरीटाइम डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकता है, कॉम्बैक्ट कर सकता है, लड़ सकता है उससे। अब यह कैसे हो सकता है, ये है क्या इकोलॉजिकल मैरीटाइम डिग्रेडेशन? यहाँ पे बात आती है कर्बिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक पोल्यूशन ओशंस के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में जो इलीगल अनरेगुलेटेड फ़िशिंग होती है, मतलब फ़िशिंग को बिना किसी कंट्रोल के इलीगल वे में पकड़ते जाना, और साथ में इलिसिटेड ट्रैफिकिंग ऑफ मरीन एनिमल्स, मतलब जो बहुत ही एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, उनकी इलीगल ट्रैफिकिंग होती रहती है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको भी उससे लड़ने के लिए इंडिया और एशियान के रिलेशन को इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स देखे मैरीटाइम स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजिक के अंदर, ये चार पाँच पॉइंट्स देखे। अब हम देखेंगे कि एशियान की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है इकोनॉमिक्स टर्म के अंदर। यहाँ पर भी हम चार पांच पॉइंट्स देंगे, जैसे कि जो ट्रेड है एशियान के साथ में बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और फोकस जो किया जा रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स डाले, जैसे कि फर्स्ट टाइम बायलेटरल ट्रेड जो है एशियान और इंडिया के बीच में वो $80 बिलियन इंक्रीज़ हुआ है। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो एशियान के साथ कनेक्ट हो पा रही हैं, जिससे कि इंडिया की उन स्टेट्स का भी डेवलपमेंट हो सकेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं बहुत ही टू द पॉइंट और स्पेसिफिक हैं, इनके अंदर कहीं कहीं बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी दी है, जैसे कि $80 बिलियन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था एग्जामिन करना है, तो मतलब हम टॉपिक की डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे और उसको आंसर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के अंदर देंगे, जो एशियन लेड RCEP है, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एशियन के द्वारा ही बनाई जा रही है और उसका पार्ट है इंडिया। क्यों पार्ट है इंडिया? क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे होगा क्या, विच एम्स टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया। क्योंकि जो ये RCEP है, इसका अपना खुद का एक लक्ष्य है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाए, जिसके अंदर मोर देन अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल GDP और कॉमर्स आ सकेगा। जितना भी वर्ल्ड का GDP और कॉमर्स है, उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुपिंग की वजह से ही बन जाएगा। तो यह इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। लास्टली हम ये एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो इंडिया एशियान का फ्री ट्रेड पैक्ट है सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसकी वजह से जो कि 2014 के अंदर कंक्लूड हुआ था,
जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है इस रीजन के साथ में वह इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा और साथ में जो बायलेटरल एक्सचेंजेस हैं वो और बढ़ जाएंगे और ज़्यादा ट्रेड्स आपस में कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस की। अब आपने देखा हमने एक एक करके सभी एस्पेक्ट का जो क्वेश्चन है उसके सभी एस्पेक्ट का हमने आंसर दिया है। लास्ट एस्पेक्ट है आपका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। यहाँ पर हम जो पहला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इंडिया है और इसी तरह की दूसरी कंट्रीज़ हैं वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अपना और मैरीटाइम सिक्योरिटी और इस तरीके के अगर कोई इशू मैरीटाइम इशूज़ आ भी जाते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और वो इंटरनेशनल लॉज क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982। दूसरी कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि इंडिया अभी एक्टिव रोल प्ले करे इस रीजन के अंदर ये सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हमने किसकी तरफ इशारा किया है, चाइना की तरफ। जो चाइना है वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हुए अपने एक्टिविटीज़ करता है, पर यह चीज़ इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। तो हमने यह पॉइंट पहला पॉइंट यहाँ पे यही दिया है। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन के अंदर हमने दूसरा पॉइंट दिया है कि जो एशियान के साथ में स्पेशली अगर इंडिया और म्यांमार के साथ जो रिलेशन है अगर और अच्छे होंगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर जो इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज़म फैला हुआ है वह कम हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि होता यही है कि इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज़म फैलाने के बाद जो टेररिस्ट होते हैं वह म्यांमार की बॉर्डर पर जाके छिप जाते हैं। तो इसकी वजह से यही होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर इंडिया के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है एशियान की और इंडिया के साथ में वह बहुत रैपिडली एडवांस हो रही है, जिसकी वजह से हम टेररिज्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जो इस्लामिक स्टेट हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से टेररिज्म वगैरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इंडिया तो सबसे बड़ा एडवोकेट है ही टेररिज्म के अगेंस्ट। तो यह एशियन के लिए और इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर बेसिकली एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है, वह है रीजनल आर्किटेक्चर। इंडिया और एशियन अगर मिलें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा रीजनल आर्किटेक्चर पे। जिस तरह से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी हर देश के साथ में तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा और पायरेसी को भी हम फाइट कर पाएंगे। वैसे भी जो एशियन है बहुत ही सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के मामले में, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनता है उसके अंदर जो एशियन है बहुत ही सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करता है। आप अगर मैप देखेंगे तो देखेंगे कि जो भी एशियन नेशंस हैं वो इस तरीके की सेंट्रल इतनी स्ट्रेटजिक जगह पे है कि ज़्यादातर ट्रेड वहीं उसी नेशन से जाता है। तो यह इंडिया के लिए अच्छा रहेगा कि वह उनके साथ कोलैबोरेट कर पाए और वह जो रीजन है उसको सेफ बना पाए। लास्टली हम यहाँ पे कंक्लूजन देंगे। ये कंक्लूजन हालांकि बहुत ही अपने आप में बड़ा है आप, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि कौन कौन से पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूरा कंक्लूड कर सकते हैं जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब किए थे और एक तरीके से वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं इस टॉपिक पर। तो यहाँ पे बात हो रही है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इंडिया और एशियान को ऐसे इश्यूज़ को पहले लेना चाहिए जिसके अंदर सभी स्टेट्स सभी कंट्रीज़ का कंसेंसस हो, उनकी रजामंदी हो और जो पॉलिटिकली कम डिस्कॉर्डेंट हो, मतलब पॉलिटिकली कुछ स्टेट्स नहीं मानते कुछ चीज़ें, तो उस तरीके के टॉपिक्स को पहले नहीं लेकर इस तरीके के टॉपिक्स उठा लेने चाहिए एशियान को जिनमें सभी की रजामंदी हो जाए, जिससे कि
कम से कम कुछ वह इश्यूज तो सुलझाए जा सकते हैं। साथ में फुल यूटिलाइजेशन किया जाए एशियन ऑफ इंडिया फ्री ट्रेड एरिया का, जिससे कि और साथ में जो भी हमारे पार्टनरशिप है मॉडर्न कम्प्रहेंसिव हाई क्वालिटी रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, उनको सुलझाने का काम, उनको फुली एक्टिव करने का काम भी हमारे नेक्स्ट स्टेप्स में होना चाहिए। आगे और क्या कर सकता है इंडिया? इंडिया को अपना जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है वह काम पूरा तेज़ी से करना चाहिए, जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और इसी तरीके के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस को बिल्ड करना चाहिए, जिससे कि जो भी एशियन नेशंस हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सके और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से कई कई तरीक़ों में बेनिफिशियल हो सके इंडिया के लिए और दूसरे नेशंस के लिए। लास्टली हमने एक अच्छी सी लाइन से इसको कंक्लूड कर दिया कि स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रिलेशन विद इक्वली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज विल क्रिएट ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिया एंड द एशियन मेंबर्स। तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रिलेशन होंगे एशियन के साथ और इकोनॉमिक टाइज भी जितने ज़्यादा इंटीग्रेटेड होंगे, जितने ज़्यादा अंदर एशियन के साथ होंगे, वह हमारी इंटरडिपेंडेंस उन देश की के ऊपर और उन देशों की हमारे ऊपर बढ़ जाएगी, जिससे कि यह बेनिफिशियल होगा कई तरीके से। तो यह था हमारा कंक्लूजन अभी तक का। इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने मोर और लेस इनमें से कुछ पॉइंट्स आपने लिखे हैं तो आपका कंक्लूजन एवरेज होगा, आपको मार्क्स ठीक ठाक मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो पॉइंट्स हैं आपके अलग भी हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, अगर आपने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए वो लिखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इनमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं तो आपका आंसर बिलो एवरेज हो सकता है। तो उसके अंदर अब भी आपको और ज़्यादा कंटेंट, आपका कंसेप्ट क्लियर हो करने की बात आ जाती है। वह कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप में यह चीज़ सॉल्व हो जाएगी और बार बार रिवीजन के साथ भी ऐसी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं।